हिमाचल में सत्ता का ऊंट किस करवट बैठेगा ये तो 8 दिसंबर को ही पता चलेगा, लेकिन इतना साफ है कि हिमाचल के इस रण में कोई भी दल कसर नहीं छोड़ना चाहता। शनिवार को कांग्रेस ने विधानसभा चुनाव के लिए घोषणा पत्र जारी कर दिया है, जिसमें पार्टी ने कई बड़े दावे किए हैं। कांग्रेस ने घोषणा पत्र में कहा है कि पहली कैबिनेट की बैठक में 1 लाख रोजगार देंगे। हर विधानसभा में 4 अंग्रेजी मीडियम स्कूल खोलने की बात भी कही है। साथ ही केंद्र में सरकार बनने पर सेना की 4 साल वाली नौकरी का नियम वापस लेने का ऐलान किया है। इसके अलावा कांग्रेस की सरकार कृषि और बागवानी आयोग का गठन करेगी, जिसमें किसानों और बागवानों को पर्याप्त प्रतिनिधित्व दिया जाएगा। साथ ही घोषणा पत्र में पुरानी पेंशन को बहाल करने की भी बात कही और हर घर लक्ष्मी के तहत महिलाओं को हर महीने 1500 रुपये दिए जाने का वादा किया है। वहीं आयोग की सलाह पर हर कैटेगरी के सेब के लिए एक न्यूनतम समर्थन मूल्य घोषित किया जाएगा। इससे कम दाम पर किसी को भी सेब खरीदने पर रोक लगा दी जाएगी, चाहे वो अडानी ही क्यों ना हो। इसके साथ ही सोलन जिले में एक फूड प्रोसेसिंग पार्क बनाया जाएगा।